एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम BA HIH यानी कि बैचलर्स ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। जो भी इस कोर्स की बेसिक डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो मिनिमम टाइम आपको 3 साल दिया जाता है और मैक्सिमम 6 साल। यानी कि अगर कोई बच्चा 3 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं कर पा रहा है तो उस केस में उसको 3 साल और दिए जाते हैं इस कोर्स को कम्प्लीट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्जाम्स पेपर में बैक लग जाता है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अराउंड 9,600 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ इसके टोटल कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर है। और इग्नू में अभी कोई नई फ़ीस स्ट्रक्चर आई थिंक इशू नहीं हुई है। प्रोग्राम गाइड में भी यही फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन है और हमारे भी अराउंड यही फ़ीस लगी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है या फिर ईयरली है। इग्नू में दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज होते हैं, एक ईयरली कोर्सेज होते हैं। सेमेस्टर बेस्ड, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, जिसमें हर 6 महीने में आपको असाइनमेंट और एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वहीं पे दूसरी ईयरली कोर्सेज जो है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स, इसमें आपको साल में एक बार ही असाइनमेंट देना है, एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और एक ही बार एग्ज़ाम देना है। लेकिन इस केस में ये होता है कि आपको 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स को एक साथ देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है अभी, तो आपको जो एग्ज़ाम देना है वो दिसंबर 2024 में होगा। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर मैं असाइनमेंट की बात करूँ तो आपको साल में एक बार ही असाइनमेंट जमा करने हैं 2 सेमेस्टर्स के एक साथ। अगेन, अगर जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स को मिला करके आपको अक्टूबर टू नवंबर के मंथ में जमा करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म्स भी जो है वो आपके इसी मंथ में आते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि आप अपने पसंद के एग्ज़ाम सेंटर्स को चूज़ करके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सके। एग्ज़ाम फॉर्म्स में आपके ईयर में या फिर आपके सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मेंशन करना पड़ता है और पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपीज़ देना पड़ता है एग्ज़ाम फॉर्म्स को फिल करने के लिए। उसके बाद ही आपका ID कार्ड इशू होगा और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ री रजिस्ट्रेशन। अगेन एक बड़ा क्वेश्चन है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि आप अपने आप को री रजिस्टर कर रहे हो अपने नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर या नेक्स्ट आने वाले साल के लिए। अगेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो आपके री रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी 2025 के लिए किया जाएगा, जिसमें आपके 3rd semester + 4th semester का री रजिस्ट्रेशन होगा। और री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स भी जो है वो 2-3 महीने पहले ही आ जाते हैं आपके साल पूरा होने से पहले, तो आपको उन्हें फिल करना होता है और आपके जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनके फ़ीस भरनी पड़ती है। कि आप री रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम भी करें, क्योंकि अगर आप री रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तो इस केस में आपको 6 महीने का जो है वो लॉस हो जाएगा। 6 महीने बाद ही वापस से री रजिस्ट्रेशन चालू होती है, तब आप री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो री रजिस्ट्रेशन करना इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम फॉर्म्स के बारे में मैंने बता ही दिया। सेम थिंग अप्लाइज टू दो स्टूडेंट जो जून के साइकिल में एडमिशन लेते हैं। अगर आप जून में एडमिशन ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जून 2025 में मई जून के महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। मार्च से अप्रैल के टाइम में आपको असाइनमेंट जमा करना रहेगा। री रजिस्ट्रेशन भी इसी दौरान होगा और एग्ज़ाम फॉर्म भी इसी दौरान फिल किया जाएगा। असाइनमेंट सबमिशन के बारे में भी मैंने बता दिया। एंड नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस क्या है इसका, क्या क्या पढ़ने को है इस पूरे कोर्स में। तो आपको एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो बेसिकली जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ती है। और साथ में कुछ डिसिप्लिन कोर्स हैं, कुछ जनरल कोर्स की चॉइस की कुछ कोर्सेज आपको उसमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें उन सारे सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं जो आपको आपके इन 3 सालों में पढ़ने हैं। सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी लेंदी हैं। फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड ईयर में 10 सब्जेक्ट्स होंगे और थर्ड ईयर में अगेन 8 पेपर होंगे। तो सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी है, पढ़ना आपको सिर्फ इग्नू के स्टडी मटेरियल्स से ही। यस, स्टडी मटेरियल एक दूसरा क्वेश्चन रहता है। तो स्टडी मटेरियल्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ती है अलग से। जब आप एडमिशन कराते हो तो वहीं पे आपको फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि आपको फिज़िकल फॉर्म में बुक्स चाहिए या PDF में चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बुक्स को डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि 6, 7, 8, 9 महीने तक लग सकते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको बुक्स डिलीवर हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक डीमेरिट है इस चीज़ का, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लाखों लाख स्टूडेंट्स हैं और सबको ऑन टाइम स्टडी मटेरियल पहुँचाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क ऑल ओवर इंडिया।
तो इस केस में इग्नू ने आपको ई ज्ञान कोश की जो वेबसाइट है प्लस एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करके रखा है, ताकि आप जब तक आपको स्टडी मटेरियल आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं अवेलेबल होते हैं, तब तक आप अपने इस ऐप पे जा करके आप सारी जो स्टडी मटेरियल है उसको आप विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि सिलेबस आप एक बार ही जा करके नीचे पीडीएफ जो है वहाँ से आप चेक कर लेना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इस वीडियो में समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि उससे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना है, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, या फिर उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मुझसे कुछ छूट गया है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सॉरी इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट करके। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।